हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके साथ। नई वीडियो में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा डेटा है। अब ये डेटा देख सकते हैं, इस डेटा के साथ एक प्रॉब्लम है। ये रोल नंबर जो है, इसी के बेस पे हमें यहाँ नीचे सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रोल नंबर डाले उसका पूरा रिकॉर्ड एक बार में आ जाना चाहिए। ये तो हम बिल्कुल आपसे कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि रोल नंबर जो है हमारे मेन डेटा में, जहाँ से हमें ये फेच कराना है, वो दिया गया है राइट साइड में, और VLOOKUP राइट साइड में जा नहीं सकता, तो फिर करेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, तो रोल नंबर के लिए ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें जाना होगा कहाँ, ये जो दिख रहा है आपको डाटा टैब, तो डाटा टैब पे चले चलिए, ठीक है। अब आगे डाटा टैब पर, अब यहाँ पर नीचे जैसे ही बढ़ेंगे आप, तो नीचे मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन, तो बस डाटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहाँ पर एड रूल पे आ जाइए। जैसे एड रूल पे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन, तो बस ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज पे चले जाइए, और जैसे ही जाते हैं तो यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है स्क्रॉल करके इधर आना होगा, और ये पूरा रेंज जो है सेलेक्ट करना है आपको इस तरीके से। पहले तो यहां क्लिक कर लीजिएगा, तब यहां से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर डन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहां पर आना होगा, और यहां पर आपको चूज करना होगा वन, ठीक है, और फिर यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर इंडेक्स फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स फॉर्मूला आपको लगाना है। VLOOKUP तो काम नहीं करेगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर बात हो रही है राइट साइड से लुकअप करने की, ठीक है। VLOOKUP लेफ्ट साइड से कर सकता है, राइट साइड से कहां करेगा, ये राइट साइड में जा ही नहीं सकता। तो यहां पर इंडेक्स लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इंडेक्स लगाने के बाद क्या करना है, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर दीजिएगा यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, और फिर यहां पर F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, फंक्शन हम लोग मैच का फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है मैच, और कर लेना है आपको ब्रैकेट को ओपन। अब आपका काम धीरे धीरे आसान हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैच लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे F4 प्रेस कीजिए एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार, यानी तीन बार आपको F4 प्रेस करना है, ताकि आपका जो कॉलम है जिसका कि नाम A है वो हो जाए फ्रीज, ठीक है। इसके बाद आपको एरे एरे में आपको ये सेलेक्ट करना है, ये जो रोल नंबर दिया गया है ये पूरा रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और F4 दबा के इसे भी फ्रीज कर दीजिएगा, फिर कॉमा देके जीरो दे दीजिएगा। ब्रैकेट को क्लोज करने की जरूरत है, फिर कॉमा लगाने की जरूरत है, और फिर यहां लगाना है मैच, वापिस से मैच लगा देना है, ताकि हम आगे भी इसमें चीजें कर सके, ठीक है। अब यहां पर लगा दिया है मैंने मैच दोबारा से, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर जैसे ही मैच लगाते हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज की यहां पर क्या देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है किसको, नेम ऑफ स्टूडेंट को। ये नेम ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके, और फिर इसमें भी फ्रीज करना होगा आपको। तो इस बार रो को फ्रीज करना है, एक बार हमने प्रेस किया F4, और दूसरी बार प्रेस किया, और फिर कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट से उठा करके एवरेज तक पूरा ये जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर जाना है। जितनी भी यहाँ पे सेल्स आपको दिख रही है वो हेडिंग वाली, वो सारी सेल्स को सेलेक्ट करके कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दीजिएगा, बंद कीजिएगा, और बंद करने के बाद दो बार ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही बार आपको ब्रैकेट क्लोज करने होंगे, क्योंकि दो बार मैच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे राम आ रहा है, तो रोल नंबर वन किन का है जरा देखिए, राम का है कि नहीं है। ये रोल नंबर वन है, और ये किन का है, राम का है। मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट भी करता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ रोल नंबर वन राम का है, लेकिन अब क्या इसको ड्रैग कराने पे सारे रिकॉर्ड्स राम के आ जाएंगे, सवाल यही है। तो एक बार ड्रैग करा के देखते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग कराया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ राम और राम और राम लिखा हुआ आ रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब फॉर्मूले को एडिट करता हूँ यहाँ पर हमने फ्रिज नहीं किया, ठीक है। देख सकते हैं कि जो एरे है मैच लगाने के बाद इसे फ्रिज भी करना जरूरी है, तो F4 दबा के फ्रिज कर दीजिए, और तब एंटर प्रेस कीजिएगा, तब यहाँ पर अब जब ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे कि सबका रिजल्ट आता चला जाएगा। तो यहाँ पे राम का जो एवरेज है वो कितना है, 54.8 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 54.8 है, टोटल 274 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 274 बिल्कुल आया हुआ है, एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ से चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। एक बार चेक किया जाए कि क्या पता कि ना आ रहा हो, यहाँ पे 9 कर देते हैं, तो 9 चेक करना होगा किसका है। देखिए ना, 9 यहाँ पर आशीष का है, और अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि एक एक एनालिसिस आप कर सकें इसका, कि किसका क्या इसमें रहा मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं आप, नाम है आशीष, रोल नंबर है 9, तो 9 ही है रोल नंबर। एवरेज है 52.4, तो यहाँ पे एवरेज 52.4 ही आया हुआ है। 262 यहाँ पर टोटल है,
और यहाँ पर 44 जो है मार्क्स है सब्जेक्ट 5 का, सब्जेक्ट 4 का है 70, सब्जेक्ट 3 का है यहाँ पर 30 और यहाँ पर सब्जेक्ट 2 का है 88। देख सकते हैं ये पूरा एकदम बिल्कुल सही आया हुआ है। यहाँ से चलेंगे, यहाँ रोल नंबर 2 जैसे ही चेंज किया हमने तो रोल नंबर 2 श्याम का है। अब चेक किया जाए कि श्याम का है या नहीं, मार्क्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना जरूरी। तो यहाँ से आकर के इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसके टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट रखूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से व्हाइट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं एकदम मैच कर लीजिए, एकदम बिल्कुल सही आया हुआ है। ठीक है, तो जिसका भी आप चेंज करेंगे ना उसी का यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा और ये इंडेक्स और मैच जो आप एक साथ लगाएंगे तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंडेक्स और मैच को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, ये बात थी सेम शीट की। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फिर एक बार चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे रोल नंबर 6 कर दिया तो 6 हिना का है, तो क्या है हिना का 6 चेक करना होगा सही में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं इसे एक दूसरे कलर से राइट करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये, देखिए ये, अब इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ एक डिफरेंट बैकग्राउंड से। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और ये जो फॉर्मूला लगाया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ F2 करके। सबसे पहले इंडेक्स लगाया है और ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से यही चीज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडेक्स लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ और ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये पूरी रेंज जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट, वैसे ही आप भी कर लीजिएगा। F4 दबा के प्रेस कीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पर मैच का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये जैसे ही मैच का फॉर्मूला लगाते हैं तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मैच लिखने के बाद अब क्या लिखा जाए, अब किसको सेलेक्ट किया जाए। तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे रोल नंबर, तो ये रोल नंबर को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर F4, फिर एक बार और F4 और फिर एक बार और, यानी कॉलम को फ्रीज करना है। ठीक है, फिर कॉमा लगा दीजिएगा और फिर ये जो रेंज दिखाई पड़ रही है ना रोल नंबर वाली, वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 दबा के प्रेस कीजिएगा, कॉमा लगा के 0 दीजिएगा, बंद कीजिएगा, फिर यहाँ पर कॉमा दे देना है और यहाँ लगाना है MATCH मैच का फॉर्मूला। और जैसे ही मैच का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर अब आपको वापिस से क्या देना है, तो यहाँ पर देना है लुकअप, लुकअप वैल्यू देना है किसको हम लुकअप करना चाहते हैं। दूसरी बार में यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ना इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस बार रो फ्रीज रहेगा, तो F4 दबाइए, F4 दबाइए, F4 दबाइए और एक बार और F4 दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये रो जो है क्या हो, फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आप रो के पहले जो है इस तरीके से डॉलर भी लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये रो फ्रीज हो गया, उधर कॉलम फ्रीज किया था। यहाँ पर अब कॉमा लगाना है आपको और कॉमा लगा करके अब यहाँ पे लुकअप एरे पूछेगा आपसे। तो लुकअप एरे में आपको क्या देना है, तो लुकअप एरे जो होगा आपका, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो लुकअप एरे जो आपका होगा वो आपका होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ये कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट से सेलेक्ट करना है। ये पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर जाइएगा और सेलेक्ट करके F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक बनाने के लिए इसको फ्रीज करके दोनों ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे हिना आने लगा। अब यहाँ पर इसी रोल नंबर के चूंकि बेस पे हमने ये किया है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो इसे लेके आते हैं, तो अभी ये यहाँ ऊपर 6 आपको दिख रहा होगा, जैसे 9 करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और दोनों में सेम हमने यहीं से लगाया है इसीलिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि गूगल शीट इन कंपैरिजन टू एक्सेल काफी हेल्पफुल है, तो आप इसे यूज भी करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।